हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या अग्रवाल आज आपको सिंधी टाके में ये राउंड पैटर्न बता रही हूँ। चलिए इसे बनाते हैं। ये पूरा डिज़ाइन मैंने दो कलर में किया है, ग्रीन से ये लीफ वाला कर लिया है, और ये वाला जो पैटर्न है सिंधी कढ़ाई का, ये मैं ऑरेंज से कर रही हूँ। इसके लिए मैंने रफ़ एंड टफ के ही थ्रेड लिए हैं। ये रफ़ एंड टफ का एक थ्रेड है, दो थ्रेड तरह के थ्रेड यूज़ करती हूँ, ये एमसी और ये रफ़ एंड टफ। तो ये रफ़ एंड टफ का है, ये भी काफ़ी स्मूथ है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इस पैटर्न में हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे जो अंदर की तरफ जा रहा है, ये वाला दो जो बॉक्स है। तो इसके लिए शुरू करते हैं लेफ्ट से, यहाँ से शुरू करके राइट की तरफ जाएंगे। ये बॉक्स का लेफ्ट साइड से लेके राइट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पर हमारा थ्रेड ऊपर रहेगा, यहाँ हमारा थ्रेड अंदर जाएगा। हर बार मैं बताती हूँ कि अंदर क्यों जा रहा है। देखिए, थ्रेड की लाइन क्यों बन रही है, इस तरह की बन रही है। तो हम इसके पैरेलल में ऐसी लाइन ही देखेंगे जैसे सेम तरफ जाती हुई। ये भी धागे से बनी नहीं है तो इसे देखेंगे, ये क्या है नीचे, फिर यहाँ जाएगी ऊपर, फिर ये नीचे। तो इसलिए हमने इस धागे को नीचे रखा है। अब हमारा थ्रेड यहाँ तक जाएगा और यहाँ पर हम ट्राइंगल लेंगे। ये यहाँ पर हमें लाइन चेक करनी होगी कि हमारी ये इस धागे के ऊपर रहेगी कि नीचे। तो ये देखिए, ये क्या है ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, तो ये नीचे जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। यहाँ देखिए, ये ऊपर है, फिर ये नीचे, फिर ऊपर। यहाँ देखेंगे, ये नीचे है, इस तरह की लाइन है ना, तो यहाँ ऊपर हो जाएगी। यहाँ भी ऊपर जाएगा थ्रेड हमारा, क्योंकि इस तरह की लाइन नीचे है। फिर ये अंदर डाल देंगे हम। देखिए, ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ ले लेते हैं। यहाँ थ्रेड के लिए कौन सी लाइन को चेक करना पड़ेगा हमें, ये वाली, ये ऊपर है तो ये हमारी नीचे चली जाएगी, और फिर बीच में ये ऊपर आ जाएगी, इस तरफ लेंगे हम। यहाँ देखिए, ये नीचे है, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ये नीचे गया। तो अभी हमने क्या किया, ये बीच वाले में नीचे किया है और यहाँ पर ऊपर रखा है। फिर यहाँ पर हमारा क्या चला जाएगा, नीचे। आप एक पैटर्न में समझ जाइए कि किस तरह से हम बना रहे हैं। यहाँ नीचे रखा है हमने थ्रेड, और यहाँ भी हमारा थ्रेड क्या गया था, ये देखिए, यहाँ हमारा थ्रेड कैसे जाएगा, ये ऊपर है, फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ये क्या गया नीचे। इस तरफ देख लेते, इसको क्या चेक करेंगे, इसको ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ भी ऊपर जाएगा और यहाँ भी ऊपर जाएगा। फिर ये हम अंदर डाल देंगे, यहाँ ले लेते, यहाँ हमारा थ्रेड क्या जाएगा, देखिए ये ऊपर है तो ये थ्रेड अंदर चला जाएगा, और बीच में हमारा थ्रेड ऊपर हो जाएगा, ये वाला है ना। फिर यहाँ तक लेंगे, इसको चेक करने के लिए देखिए, ये नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो नीचे में हमारे थ्रेड नीचे जा रहे हैं और ऊपर में हमारा थ्रेड ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ ले लेते, हम इसमें क्या करेंगे, अंदर डाल देंगे। यहाँ भी हमारा थ्रेड क्या गया था, अंदर, इस लाइन के अंदर गया था। अब यहाँ पर देखो, ऊपर नीचे ऊपर, तो ये तीन में हमारे थ्रेड क्या गए थे, ऊपर गए थे। यहाँ भी ऊपर गया था, यहाँ भी ऊपर, और ये भी ऊपर। फिर हम बीच में अंदर डाल देंगे और इसको बनाएंगे, यहाँ हमारा थ्रेड अंदर चला जाएगा, फिर ऊपर रखेंगे, फिर यहाँ क्या चला जाएगा, नीचे, इस तरफ लेंगे, यहाँ हमारा थ्रेड क्या जाएगा, ऊपर। ये देखिए, ये ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये नीचे जाएगा, यहाँ ले लेते हैं। यहाँ देखिए, ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये नीचे चला गया,
इधर लेंगे, यहाँ ऊपर, यहाँ भी जाएगा ऊपर, और ये ऊपर, फिर ये नीचे, इधर ले लेते, यहाँ ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ऊपर, फिर ये नीचे, यहाँ लेंगे, यहाँ ऊपर जाएगा हमारा थ्रेड और ये जाएगा नीचे। अब हम इस थ्रेड को चेंज करेंगे। थ्रेड चेंज करने के लिए देखिए ये अंदर डालें, यहाँ सीधे में हम लॉक कर देंगे और यहाँ वाली लाइन से निकालेंगे इसको, है ठीक है। तो करेंगे ये वाले से, तो ये बॉक्स का राइट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, यहाँ से ले लेते। यहाँ पर हमारा थ्रेड ऊपर रहेगा, फर्स्ट में हम ऊपर रखते थ्रेड को और फिर इस तरफ हमारा थ्रेड अंदर जाएगा, ये यहाँ हम अंदर डाल देते, यहाँ हमारा थ्रेड जाएगा ऊपर और यहाँ जाएगा अंदर, ये। अब हमें यहाँ पर देखना है, तो देखिए ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो बीच में क्या चला जाएगा, अंदर। इस तरफ लेंगे ट्रायंगल। अब हमें इस थ्रेड को देखेंगे, ये ऊपर है इस तरह का, तो ये क्या चला जाएगा, अंदर। तो अभी हमने ऊपर में अंदर डाला है, अब इधर आते हैं, यहाँ से लेंगे। यहाँ देखिए थ्रेड को कैसे चेक करेंगे, ये वाले थ्रेड को चेक करेंगे, ये क्या नीचे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर, तो ये क्या जाएगा नीचे। तो अभी यहाँ ऊपर में नीचे जा रहा है और ये नीचे में ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर नीचे ऊपर। फिर जब अपोजिट पीछे से ला रहे तो हम ऊपर में क्या कर रहे हैं, नीचे, है ना, इस तरह से, यहाँ ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ हमारे थ्रेड चले जाएगा ऊपर, यहाँ रखेंगे, यहाँ भी हम थ्रेड को रखेंगे ऊपर और ये भी जाएगा ऊपर, फिर ये बीच में नीचे चला जाएगा हमारा थ्रेड और इस तरफ चलेंगे, यहाँ पर नीचे, फिर बीच में ऊपर, इस तरफ आएंगे, यहाँ पर जाएगा हमारा, देखिए ये वाला क्या थ्रेड नीचे, तो ये ऊपर, फिर ये बीच में नीचे, यहाँ लेंगे, यहाँ देखिए ये थ्रेड क्या है, ऊपर है, तो ये हमारा क्या चला जाएगा, नीचे, और फिर बीच में ऊपर, फिर ये नीचे। जितने बॉक्स पड़ेंगे उतना आपका पैटर्न में आपको चेक करने का बढ़ेगा। यहाँ पर ऊपर रखेंगे और इस तरफ लेंगे, ये यहाँ देखिए ये वाला क्या धागा है, नीचे, फिर ऊपर, फिर ये नीचे। तो जब हम वापसी कर रहे हैं तो यहाँ नीचे जा रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है, आप इस तरह से इसको थोड़ा सा समझ के कर सकते हैं, यहाँ पर, फिर ये नीचे, यहाँ नीचे जाएगा ये, फिर यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर रखे तो ये दो भी ऊपर जाएंगे, ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, फिर बीच में हम अंदर डाल देंगे, ये यहाँ नीचे लेंगे और फिर ये क्या है, देखिए नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर में ऊपर, फिर नीचे की तरफ उतरते में नीचे और यहाँ नीचे। एक बार हम राइट की तरफ जा रहे हैं तब अलग थर्ड जा रहा है, और जब हम वापस लेफ्ट से कर रहे हैं तब अलग थर्ड जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा थ्रेड जाएगा नीचे और इस तरफ देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर, अब हम जब वापस आ रहे हैं लेफ्ट से, तो ये हमारा थ्रेड यहाँ पर, इसको थ्रेड को बंद कर देते हैं, फिर यहाँ से लेंगे, यहाँ से थ्रेड ख़त्म हो गया था, यहाँ से ले लेते हैं। अब हाँ यही बताना था मुझे, ये देखिए ये नीचे है, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ऊपर में जब हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर में नीचे जा रहा है और नीचे में क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे जाएगा। तो दोनों तरफ की स्थिति जब लेफ्ट और राइट बदलती तो धागे भी बदल जाते हैं, यहाँ हमारा क्या जाएगा, नीचे जाएगा और यहाँ ऊपर, फिर यहाँ ले लेंगे, ऊपर जाएगा ये भी थ्रेड, देखिए ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, यहाँ भी ऊपर चला जाएगा और ये अंदर। अब फिर यहाँ ऊपर रखे और यहाँ नीचे डालेंगे, लौटते में हमारा धागा अपोजिट हो जाएगा,
यहाँ ऊपर, फिर ये अंदर और ये नीचे, बस पूरा राउंड हमारा इस तरह से जाएगा। ये ऊपर हो गया, ये नीचे चला गया। फिर यहाँ पर हम नीचे डालेंगे, क्योंकि हमारा ये थ्रेड ऊपर है इसलिए ये नीचे जाएगा। अब इसके हिसाब से यहाँ पर भी नीचे जाता है ना। यहाँ से ये क्या हो रहा है, हमारा थ्रेड नीचे जा रहा है, और नीचे में क्या जा रहा है, यहाँ पर से ऊपर। यहाँ हम क्या रखेंगे, ऊपर। फिर यहाँ क्या करेंगे, नीचे, ये नीचे, फिर ऊपर, यहाँ पर ऊपर, ये भी करेंगे ऊपर। यहाँ भी जाएगा हमारा थ्रेड ऊपर। अब यहाँ पर फिर ये हो जाएगा, नीचे की तरफ उतरे तो नीचे, और इस तरफ यहाँ पर नीचे, क्योंकि हम अब राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। जब राइट साइड की तरफ जाएंगे तो ऊपर में ऊपर और नीचे में नीचे, ये नीचे। अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर, फिर ये अंदर और ये नीचे, फिर यहाँ पर नीचे जाएगा। इस तरह से ये पूरा पैटर्न बनेगा। यहाँ से लेंगे थ्रेड को, यहाँ देखिए ये क्या नीचे है ना, ये नीचे है, तो हमारा क्या जाएगा, ऊपर नीचे। ये थ्रेड थोड़ा ढीला हो रहा है नीचे से, इसको टाइट करेंगे। इसको टाइट कर दिया मैंने। यहाँ पर से लेंगे, यह हमारा थ्रेड जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे अंदर, फिर यहाँ जाएगा ऊपर, और ये भी जाएगा ऊपर। ये दोनों कॉर्नर ऊपर ही जाएंगे, यहाँ से ऊपर और ये भी ऊपर। फिर हम ये अंदर डाल देंगे ऊपर और ये नीचे। इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बनने से ये पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है, राउंड में है, आप क्वेश्चन वगैरह कहीं भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।